पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ की ओर से सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि शिव प्रताप शुक्ला, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार और राज्य मंत्री सत्यदेव पचौरी मौजूद रहे। इस अवसर पर व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा रहे। सम्मेलन के मंच पर क्षेत्रीय संयोजक व्यापार प्रकोष्ठ महेंद्र धनौजिया, महापौर विनोद अग्रवाल, विधायक रितेश गुप्ता, जिलाध्यक्ष हरिओम शर्मा, महानगर अध्यक्ष महेंद्र गुप्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। सभी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। अपने संबोधन में बोलते हुए राज्य मंत्री सत्यदेव पचौरी ने मोदी सरकार की योजनाएं गिनाई। तो वहीं मुरादाबाद पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो देश के सैनिकों का अपमान करता है उनसे और अपेक्षा ही क्या की जा सकती है। वो राहुल गांधी द्वारा आतंकी अजहर मसूद को जी कहने पर पूछे गए सवाल का जवाब दे रहे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती द्वारा कांग्रेस से कोई भी अलायंस ना करने पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस की स्थिति ही ऐसी है, ये उनका निजी मामला है। वहीं तेलंगाना से राहुल गांधी के मंच पर कांग्रेसी नेता विजय लक्ष्मी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को आतंकवादी कहने के सवाल पर बोले कि मोदी जी और अमित शाह उन्हें कौन सा अपनी पार्टी में ले रहे हैं, कुछ लोगों को बोलने की आदत होती है। उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा की क्या स्थिति रहने वाली है, इस सवाल पर बोले 2014 लोकसभा चुनाव में 73 सीटें थीं, इस बार उससे भी ज्यादा होने जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री आज मुरादाबाद में भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यकर्ता सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि रहे थे। आरोप लगाया आरटीआई के जरिए कि आरबीआई पे नोटबंदी के लिए जबरन दबाव डाला गया था, जबकि आरबीआईडी की जो आरबीआई की स्टैंडिंग कमेटी उसको मना कर रही है। अभी तक पहली बार ऐसा हुआ है जो कांग्रेस ने वो लगाया है। आरबीआई स्टेचुटरी बॉडी है जिस पर सरकार भी कोई दबाव नहीं बनाती है और बीआई बात नहीं है सरकार की बात मानने के लिए, वो अपने अनुसार चलती है। तो कांग्रेस आज तक जो भी आरोप लगा रही है वो एक झूठ का आरोप लगा रही है जिसको सिद्ध ही नहीं कर सकती है। अगर आरबीआई मानने को बाध्य नहीं है तो हम किस आधार पर उन पर जो है दबाव डालेंगे? क्या अपने ही हम गलती करने का काम करेंगे जो गलती करने का काम हमेशा कांग्रेस करती थी? ये सरासर गलत। सर उधर आज मायावती जी ने बिल्कुल डिनाई कर दिया है कि कांग्रेस के साथ कोई भी अलायंस यूपी में नहीं करेंगे। ये उनका विषय है, उनके अलायंस का विषय है। कांग्रेस को सभी लोग नकार रहे हैं क्योंकि उनकी शक्ति कोई रह नहीं गई है। जब शक्ति नहीं रह जाती है तो यही स्थिति होती है जो कांग्रेस की आज हो रही है और उसके युवराज की हो रही है। सर उधर एक साक्षी महाराज का एक लेटर वायरल हो रहा है वहाँ पे, उसमें कह रहे हैं कि जो है उन्होंने कहा है कि जातियों को लेके कमेंट किया है उन्होंने वहाँ पे कि वो जो है पूरा जो वर्चस्व है उनकी सीट में वो ठाकुर उसका है इसलिए टिकट दिया जाए, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? अब हमें इसकी जानकारी नहीं है, इस पर जिसकी जानकारी ना उसको कमेंट करना चाहिए। अभी हाल ही में सावित्री बाई फुले जो सांसद हैं आपकी वो पार्टी छोड़ गई है, क्या आपको नहीं लगता कि बहुत से लोग पार्टी में? उनको हम पार्टी से निकाल चुके हैं, छोड़ नहीं गए। पार्टी में संगठन की क्या स्थिति है? पार्टी में संगठन की स्थिति है कि संगठन के द्वारा ही हम सरकार में आए हैं और संगठन के द्वारा ही अगली सरकार में आए हैं। अभी सांसद और विधायकों के बीच में जूते चले जमकर, क्या कहें इसका, कितना कैसा परिणाम रहेगा उसका? जो है संगठन अपने आप संज्ञान लिया है और उस पर कार्रवाई कर रहा है। क्या 2019 को लेकर प्रत्याशियों की सूची नहीं है भारतीय जनता पार्टी जबकि सरकार में है, जबकि अमित शाह और नरेंद्र मोदी लगातार कह रहे हैं फ्रंट फुट पे खेलेंगे, जबकि उम्मीदवारों के चेहरे अभी तक सामने नहीं आए? हमारा चेहरा तो सबका सामने है, हमारे हर क्षेत्र में सामने है कमल, और कमल के आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे। उसी के आधार पर पिछला भी चुनाव लोग लड़े थे, नरेंद्र मोदी और कमल के आधार पर ही लड़े थे, इस चुनाव को भी नरेंद्र मोदी और कमल के आधार पर। अभी राहुल गांधी ने उनको एक आतंकवादी जी कह के बोला, क्या कहना चाहेंगे? अगर वह हमारे सैनिकों के किए गए सम्मानित कार्य को भी सबूत मांग सकते हैं तो किसी आतंकवादी के लिए जी कहते हैं राहुल गांधी जी तो ये कोई बहुत बड़ी बात होगी नहीं। एक सवाल था, अभी एक कोई विजय लक्ष्मी करके कोई है कांग्रेस के उस मंच से तेलंगाना की लीडर कहा गया है, तेलंगाना की लीडर है विजय लक्ष्मी जी, उन्होंने मोदी को उन्होंने कांग्रेस के मंच से कहा गया, इसका जवाब देश की जनता देगी कि मोदी आतंकवादी है कि मोदी विकासवादी। कह रहे हैं डर लगता है मोदी को देख के, बोल रही है वो कहा उनको भारतीय जनता पार्टी में मोदी बुलाने जा